नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आखंड ज्योति क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी क्लास 7 का अध्याय 2, पृथ्वी का बदलता स्वरूप एवं प्रतिक्रियाएं, कि पृथ्वी का स्वरूप कैसे बदलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो जानेंगे सबसे पहले पृथ्वी होता क्या है, पृथ्वी क्या है। तो सबसे पहले हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी होता क्या है। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग आता है पृथ्वी। पृथ्वी एक जलीय ग्रह है। इसके केवल 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर जल का विस्तार है। यानी जो हमारा पृथ्वी क्या है, एक जलीय ग्रह है और उसमें 29% भाग स्थल है और 71% क्या है, जल है। 71% भाग जल का विस्तार है। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं और जो पृथ्वी का स्वरूप है उस पर अनेक प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान और घाटियाँ। कहीं कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं तो कहीं चौड़ी चौड़ी घाटियाँ, कहीं गहरी गहरी घाटियाँ, तो कहीं मैदान का विस्तार पाया जाता है। हर जगह पृथ्वी का जो स्थल है समान नहीं है। ठीक, तो अगला हेडिंग हम पढ़ेंगे धरातल का बदलता स्वरूप। धरातल का बदलता स्वरूप, पृथ्वी का स्वरूप सदैव परिवर्तनशील रहता है। यानी हमारी पृथ्वी क्या, हमेशा लगातार क्या रहती है, बदलती रहती है। उसका स्वरूप एक जैसा नहीं रहता है। जहाँ कहीं मैदान था वहाँ आज नदियाँ हैं, जहाँ कहीं पर्वत थे वहाँ आज समुद्र हैं। इसीलिए इसकी क्या है, धरातल हमेशा लगातार बदलता रहता है। इसमें अनेक बाह्य और आंतरिक शक्तियाँ सक्रिय भूमिका निभाती हैं। मानव भी अपने बाहुबल से स्थलकृतियों को बदलने में सहायक होता है। यानी मानव भी क्या करता है, कहीं न कहीं पृथ्वी की धरातल की स्थलाकृतियों को भी बदलता है अपने बल से, जैसे पर्वतों को काट काट कर सड़क निर्माण, रेलवे निर्माण। तो क्या होगा, जहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत थे आज वहाँ क्या है, समतल मैदान है। जहाँ घने जंगल थे आज वो भी मैदान है, जहाँ मैदान थे वहाँ जंगल है। तो इसलिए मनुष्य भी क्या करता है, स्थलाकृतियों को बदलता रहता है। धरातल के स्वरूप को कुछ प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं जैसे जल प्रवाह, भूकंप, ज्वालामुखी आदि सहायक होती हैं। यानी जो धरातल की प्रतिक्रियाएं हैं बदलने में, जैसे जल प्रवाह, भूकंप, ज्वालामुखी आदि भी सहायक होती हैं। जैसे क्षण मात्र में ही भूकंप आने से क्या हो जाते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें गिर जाती हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत फट जाते हैं। तो क्या है, तुरंत बहुत क्षण मात्रे में ही उनकी आकृतियों को क्या करते हैं, बदल देते हैं। अगला हमारा प्राकृतिक प्रक्रियाएं। प्राकृतिक प्रक्रियाएं को दो भागों में बांटा गया है। पहला है बाह्य प्रतिक्रिया और दूसरा है आंतरिक प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाह्य प्रतिक्रिया होती क्या है। तो बाह्य प्रतिक्रिया जो प्रतिक्रिया पृथ्वी की सतह पर होती है, जो प्रतिक्रियाएँ क्या होती है पृथ्वी की सतह पर घटती है, घटना है, उसको हम बाह्य प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे देखेंगे बाह्य प्रतिक्रिया, जो प्रतिक्रियाएं पृथ्वी की सतह पर बाह्य रूप से परिवर्तन होती हैं उन्हें बाह्य प्रतिक्रियाएं कहा जाता है। ये प्रतिक्रियाएं मौसम परिवर्तन से चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों, छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित हो जाते हैं और कुछ क्रियाशील अभिकर्ताओं के द्वारा इनका स्थानांतरण हो जाता है। कल मतलब जो प्रतिक्रियाएं पृथ्वी की सतह पर यानी धरातल पर घटती हैं उसे हम बाह्य प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे चट्टाने हैं, चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। टूटने के बाद क्या होता है, एक स्थान से उनका दूसरे स्थान तक स्थानांतरण हो जाता है। ठीक, तो मान लीजिए जहाँ पर ऊंचे पर्वत थे वो क्या हो गए, घर का वहाँ समतल हो गया, जहाँ घाटी थी वो भरकर
मैदान हो गया, इसलिए इनका स्वरूप क्या हो गया, बदलते रहता है। अगला हमारा हेडिंग है आंतरिक प्रक्रियाएं। जो प्रतिक्रिया है पृथ्वी की भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर आकस्मिक रूप से उत्पन्न होती है उसे आंतरिक प्रतिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी प्रतिक्रिया जो पृथ्वी की निचली सतह में उत्पन्न हो उसे हम आंतरिक प्रतिक्रिया कहते हैं। आंतरिक प्रतिक्रिया कैसे उत्पन्न होती है, तो जैसे भूचाल, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप आदि क्रियाओं से पृथ्वी के आंतरिक संरचना में हलचल उत्पन्न होता है। जो पृथ्वी का धरातल है बदल जाता है उसी को हम कहते हैं पृथ्वी की आंतरिक प्रतिक्रियाएं कहते हैं। इन प्रतिक्रियाओं से भूप्रपटी की हलचलें, ज्वालामुखी विस्फोट तथा भूकंप आदि उत्पन्न होते हैं। आंतरिक क्रियाएं क्षण मात्र में धरातल पर परिवर्तन ला देती है, मात्र क्षण में। जैसे आप लोग देखे होंगे कि भूकंप आता है, मात्र 10 से 20 सेकंड रहता है, उतने ही समय में भारी तबाही मचा देता है। तो क्या है, मात्र क्षणिक घटनाएं होती हैं। अब इसके अभिकर्ता कौन कौन से होते हैं, तो पहला है चट्टानों का टूटना। चट्टानों का टूटना जो होता है मौसम परिवर्तन यानी ताप में वृद्धि के कारण ही होता है। जैसे तेज हवाएं चलती हैं, तेज हवाओं के कारण भी चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जब हवा के वेग से टकराती है तो भी क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो देखेंगे चट्टानों का टूटना मौसम परिवर्तन के कारण ही चट्टानें टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं और तापमान आर्द्रता तथा अधपतन इसका मुख्य कारण है। यानी चट्टान के टूटने में जो सहायक है, पहला तापमान है, आर्द्रता है, अधपतन है, यही क्या है इनके मुख्य कारण है चट्टानों के टूटने का। ठीक, अगला अभिकर्ता है हमारा उतार चढ़ाव अभिकर्ता। अब उतार चढ़ाव अभिकर्ता क्या होता है, जैसे बड़े कण छोटे कणों में होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं उसी को हम कहते हैं उतार चढ़ाव अभिकर्ता कहते हैं। ठीक, तो देखेंगे उतार चढ़ाव अभिकर्ता, छोटे बड़े कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में नदियां, पवनों, हिमनदों आदि का योगदान होता है, इसी को उतार चढ़ाव प्रतिक्रिया कहते हैं। मतलब जब छोटे बड़े कण एक स्थान से स्थानांतरित होकर दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो जाते हैं उसी को हम कहते हैं उतार चढ़ाव अभिकर्ता कहते हैं। ठीक, अगला देखें कैसे योगदान देता है धरातल परिवर्तन में। ठीक, बता हुआ जल एक सशक्त कारक है। नदियों का जल जब तेज गति से बहती हुई अनाच्छादन की क्रिया तीव्र गति से करती है तो नदियों का उद्गम पर्वतों पर हिमनदों के पिघले हुए जल से होता है। मतलब जो नदी में जब जल बहता है तभी क्या है सशक्त यानी उसमें कुछ गति होता है, उसी गति के कारण पर्वतों को काटकर आगे बढ़ती हैं। ठीक, ये भी अनाच्छादन का कार्य करती है और जो अनाच्छादन की क्रिया होती है बहुत ही तीव्र गति से होती है। ठीक, और पर्वतों पर ही हिमनद पाए जाते हैं यानी बर्फ, बर्फ से ढका हुआ पर्वत पाया जाता है उसी को कहते हैं हिमनद और इसी हिमनद से ही नदियों का निर्माण होता है। ये नदियां पर्वतीय क्षेत्रों में सर्वाधिक कटाव करती हैं तथा भी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। जैसे जैसे नदियां बहती जाती हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार कटाव करती है यानी सर्वाधिक कटाव करती हैं तथा इसी कटाव के कारण भी आकार की घाटी का निर्माण भी होता है। ठीक, अगला है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, तो नदियों के द्वारा अपने साथ बहाकर अवसादों को अपने मुहाने पर जमा कर देती हैं और एक विशिष्ट आकार का आकार में इकट्ठा हो जाते हैं उसी को हम कहते हैं डेल्टा। तो देखेंगे डेल्टा क्या होता है, डेल्टा नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों को नदी मुहाने पर जमा करती हैं उसे डेल्टा
कहते हैं संसार का सबसे बड़ा डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के मुहाने पर बना सुंदरबन का डेल्टा है, यानी सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है गंगा नदी के मुहाने पर बना सुंदरबन का डेल्टा है। ठीक, अगला देखेंगे हिमनद। हिमनद पर्वतों पर बर्फ की विशाल चट्टानों को हिमनद कहा जाता है, यानी पर्वतों के ऊपर इकट्ठा हुए बर्फ के विशाल टुकड़ों को यानी परतों को ही हम हिमनद कहते हैं, यानी हिम की नदी कहते हैं, कह सकते हैं यानी बर्फ की नदी कहते हैं। हिमनद के पिघलने से ही नदियों का जन्म होता है, यानी जब हिमनद यानी बर्फ पिघलता है और इसी पिघल बर्फ के ही पिघलने से नदियों का निर्माण होता है। हिमनद से ही नदियों में वर्ष भर जल की आपूर्ति बनी रहती है और इन्हीं हिमनद के कारण ही नदी में वर्ष भर जल भरा रहता है। पिघलने वाला हिमनद आच्छादन का कार्य करता है और हिमनद दो प्रकार के होते हैं। जो पिघलने वाले हिमनद होते हैं जब पर्वतों से ढाल की ओर पिघलते हैं और पिघलकर आगे बढ़ते हैं तो अपने साथ पर्वतों को काटते रहते हैं और आच्छादन करते रहते हैं। ठीक, तो भी क्या है, धरातल में परिवर्तन करते रहते हैं। ठीक, तो हिमनद दो प्रकार के होते हैं, पहला है महाद्वीपी हिमनद, दूसरा है घाटी हिमनद। ठीक, तो हिमनद दो प्रकार के होते हैं, पहला महाद्वीपी हिमनद और दूसरा घाटी हिमनद। ठीक, अगला है पवन। पवने भी आच्छादन का कार्य करती हैं, जो पवन है वो भी किसी न किसी तरह आच्छादन का कार्य करती हैं। जब तेज गति से प्रभावित पवन चलती है तो मरुस्थलों में रेत के मोटे कणों और चट्टानों के टुकड़े के साथ प्रहार कर शैलों को खंड खंड करती है। मतलब जब हवा चलता है तो भी क्या, जब हवा में धूल के कण मिले रहते हैं, जब ये धूल के कण शैल पर टकराते हैं तो ये भी शैल का खंड खंड कर देती। ठीक, अगला हमारा है लहरें। लहरें भी किसी न किसी तरह धरातल को परिवर्तित करने में सहायक होती हैं। तो देखेंगे लहर, सागर तटों पर लहरें भी अनाच्छादन का कार्य करती हैं। लहरें सागरों तटों की शैलों से टकराकर उन्हें खंड खंड कर डालती हैं और लहरों के कारण ही सागरों के तटों पर पुलिन का निर्माण होता है। जैसे क्या होता है, जब सागर में लहर उठता है तो लहर जाकर सागर तटों के शैलों से टकराता है और शैल से टकराने के बाद उनका खंड खंड कर डालता है और खंड खंड करने के कारण ही वहाँ पर एक विशिष्ट आकृति प्राप्त होती है, उसी को कहा जाता है पुलिन। ठीक, तब देखेंगे पुलिन क्या होता है। पुलिन जब समुद्र किनारों पर समुद्री अवसाद जमा हो जाते हैं और समुद्र का कुछ भाग समुद्री तट से कटकर एक झील का रूप ले लेता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पुलिन कहते हैं। मतलब जब समुद्र के किनारे समुद्र के अवसाद जमा होते हैं और अवसाद से कटकर यानी समुद्र तट से कटकर एक अलग झील का निर्माण कर लेते हैं, उसी को हम कहते हैं पुलिन। ठीक, मृदा का निर्माण। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो देखेंगे मृदा का निर्माण शैलों के टूटने फूटने, पेड़ पौधों तथा जानवरों के अवशेषों के सड़ने गलने तथा लाखों वर्षों की प्रक्रिया के द्वारा मृदा का निर्माण होता है। मतलब ये जो मृदा का निर्माण प्रक्रिया है बहुत धीमी गति से लाखों वर्षों के बाद मृदा का निर्माण होता है। ठीक, इसके निर्माण की प्रक्रिया को ही मृदा जनन कहते हैं और मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है इसको हम मृदा जनन कहते हैं।
ठीक, मृदा जो है जैविक अजैविक संगठनों का संयोग होता है। तो सबसे ज्यादा मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाले कारक कारक तो मृदा को मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला जनक सेल, जलवायु, समय, वनस्पति, जैव पदार्थ, पवन, तापमान आदि हैं। ये क्या हैं? मृदा को मृदा के निर्माण को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। ठीक, अगला हमारा हेडिंग है ह्यूमंस। ठीक, ह्यूमंस देखेंगे वनस्पतियों जीव जंतुओं के सड़े गले अंश जो मिट्टी में मिल जाते हैं उसे जैविक तत्व या ह्यूमंस कहते हैं। ठीक, यानी वनस्पतियों और जीव जंतुओं के सड़े गले अंश से जो प्राप्त होते हैं जैविक तत्व उसे हम ह्यूमंस कहते हैं। ठीक, ह्यूमंस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में मदद करती है और ह्यूमंस जो होते हैं मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में मदद करती हैं। अगला हेडिंग हमारा मिट्टी के प्रकार यानी टाइप ऑफ सोयल। तो हम पढ़ेंगे मिट्टी के प्रकार। मृदा का वर्गीकरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यानी भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा मिट्टियों का विभाजन किया जाता है और इन्हीं परिषद के द्वारा मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला हमारा है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल मृदा, चौथा है लैटेराइट मृदा, पांचवा है मरुस्थली मृदा, छठा है पर्वतीय मृदा, सातवां है पीट मृदा और आठवां है क्षारी मृदा। ठीक, तो हम सबके पास सबको बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जलोढ़ मृदा। तो देखेंगे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई अपने साथ अवशेषों से जो मृदा बनती है उसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। यानी इस मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। यह मृदा कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। ठीक, तो देखेंगे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाई गई अवसादों से होता है। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। इस मृदा में रेत, सिल्ट और मृतिका के कण विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। इस मृदा में जो होते हैं रेत के कण, सिल्ट के कण और मृतिका मतलब चिकनी मिट्टी के कण भी विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। इस मृदा में पोटास, फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है और इस मृदा का विस्तार संपूर्ण उत्तरी मैदान में फैला हुआ है। यह मृदा अधिक नमी धारण करती है, यानी इसकी जो नमी धारण क्षमता होती है अधिक होती है। ठीक, यह मृदा गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन आदि फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मतलब ये जो मिट्टी है हमारी जलोढ़ मिट्टी जो होती है गन्ना के लिए, चावल के कृषि के लिए, गेहूं के लिए, दलहन के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। ठीक, इस मृदा को आयु के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा खादर मृदा, दूसरा है बांगर मृदा। यानी एक होती है हमारी खादर मृदा, दूसरा होता है हमारा बांगर मृदा। यानी जो खादर मृदा होता है जैसे बाढ़ आती है और बाढ़ के बाद जब पानी हट जाता है तो जो मृदा का निर्माण होता है उसे हम खादर मृदा कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए नदी है, नदी का क्षेत्र है तो जल यहाँ तक भरा है, इसे नदी का जल मान लीजिए यहाँ तक आया, यहाँ से तक पहुँचा
तो क्या है इसी क्षेत्र को जो इतना एरिया है इसी को हम कहेंगे खादर। यहाँ मान लीजिए जल नहीं पहुँचा, ये जो एरिया होगा हमारा बांगर होगा, ठीक। तो जहाँ तक बाढ़ का पानी पहुँचता है वो हमारा क्षेत्र खादर कहलाता है, जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है वो हमारा बांगर कहलाता है। तो देखेंगे खादर मृदा, नई जलोढ़ मृदा को खादर मृदा कहा जाता है। नई जो जलोढ़ मृदा होती है उसी को हम खादर मृदा कहते हैं, बांगर मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहा जाता है। जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसी को हम बांगर मृदा कहते हैं, और बांगर मृदा खादर मृदा से कम उपजाऊ होती है, लेकिन खादर मृदा की उपजाऊ जो शक्ति होती है बहुत ही अधिक होती है। अगला हेडिंग हमारा काली मिट्टी या काली मृदा। तो सबसे पहले हम जानेंगे, इसका नाम से ही पता चल रहा है इस मिट्टी का रंग काला होता है, काला होने के कारण इस मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है, ठीक। तो काली मिट्टी के बारे में देखेंगे, इस मिट्टी का रंग काला होता है इसीलिए इस मृदा को काली मृदा कहा जाता है। मतलब इस मिट्टी का रंग क्या होता है, काला होता है, और काला होने के कारण ही इस मिट्टी को हम काली मिट्टी कहते हैं। इस मृदा को रेंगूर मृदा भी कहा जाता है। देखिए इसका एक नाम और है रेंगूर, यानी इसी मृदा को हम रेंगूर मृदा के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से निकलने वाले लावे से होती है। जो इस मृदा का निर्माण होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे लावा निकलती है। जब ये लावा धीरे धीरे ठंड हो जाती है और ठंड होने के बाद जब मृदा बनता है उसे हम काली मृदा कहते हैं, ठीक। इस मिट्टी में मृदिका यानी क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है। यह मृदा कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, इसीलिए इसे हम कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं। काली मृदा को काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा जल के संपर्क में आने पर फूल जाती है तथा शुष्क होने पर सिकुड़ जाती है, जिससे इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। मतलब जैसे पानी के संपर्क में आएगी फूल जाएगी और चिपचिपी हो जाएगी, और जैसे ही शुष्क होगा यानी सूखने पर ये सिकुड़ जाती है, और सिकुड़न होने के कारण इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, ठीक। इस मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में पाया जाता है। मतलब काली मिट्टी का जो विस्तार क्षेत्र है तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ठीक। तो अगला हम देखेंगे लाल मृदा। लाल मृदा का रंग लाल लौह धातु या आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। जो हमारा लाल मृदा है इसमें लाल रंग लौह ऑक्साइड लौह धातु के कारण होता है। लाल मृदा का लाल रंग लौह धातु या आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसे पीली मृदा भी कहा जाता है। इसका एक नाम और भी है जो है पीली मृदा, इसको हम पीली मृदा भी कहते हैं। इस मृदा का निर्माण आगेन और रूपांतरित चट्टानों पर कम वर्षा के कारण होता है। और ये जो मृदा का निर्माण है, इस मृदा का निर्माण आगेन चट्टान और रूपांतरित चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। लाल मृदा का विस्तार क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड आदि राज्यों में पाया जाता है, ठीक। जो लाल मृदा का क्षेत्र है उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड आदि राज्यों में पाया जाता है। लाल मृदा तंबाकू, बाजरा, तीसी और दलहन की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक। ठीक, धन्यवाद दोस्तों। फिर हम अगले पार्ट टू
वीडियो में फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।